जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सागर यूकेटेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में इन्फॉर्म कर दिया था कि देखिए, जो आपका SSGD फिजिकल का जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे फाइनली रिलीज कर दिया गया है। लेकिन देखिए, फिर भी बहुत से कैंडिडेट थे मुझे यहाँ पे कमेंट आ रहे थे उनके कि सर जो है हमारा एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो रहा है और साथ ही वेबसाइट भी ओपन नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसी का देखिए जो आपका डाउट है तो इसी का यहाँ पे सोल्यूशन इस वीडियो में करने वाले। तो पूरा मैं आपको अभी प्रोसेस बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे उसको डाउनलोड करना है, और साथ ही देखिए जिनका भी ओपन नहीं हो रहा था तो यहाँ पे उनका भी ओपन हो जाएगा। वीडियो जो है आप लोग पूरा ध्यान से देखिए, जैसे जैसे स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ वैसे स्टेप फॉलो करके जो आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, और साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर देना। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा अभी मैं देखिए आपको NIC की जो आपकी SSC NIC.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। तो देखिए, जैसे हम यहाँ पे एडमिट कार्ड के सेक्शन में जाते हैं तो इसमें देखिए आपको जो एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड करना है तो उसका देखिए यहाँ पे लिंक तो मिल जाएगा, लेकिन देखिए उससे जो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए उसको करना किस तरह से, तो उसका पूरा प्रोसेस अभी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो देखिए सिंपल सा आपको करना क्या है, तो देखिए सिंपल सा आपको क्रोम में आना है और क्रोम में ऐसा टाइप करना है जैसे मैं आपको स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, तो उसी तरह से आप लोग जो फॉलो करें आपका आसानी से जो लिंक ओपन हो जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पे टाइप करना है, सबसे मेन बात तो ये जान लीजिए कि जो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने वाला है। ठीक है, तो देखिए वो जो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा तो वो आपका देखिए SSC की वेबसाइट से नहीं, बल्कि देखिए जो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा वो होगा आपका CRPF ऑनलाइन। ठीक है, CRPF ऑनलाइन। ठीक है, CRPF ऑनलाइन इस तरह से आपको डालना है, इस पर जो है आपका आसानी से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको अभी पहले इसमें डाल देते हैं। तो देखिए आपको डालना है CRPF ऑनलाइन। ठीक है, CRPF ऑनलाइन और एक साथ डालना है। ठीक है, अलग अलग से नहीं डालना है, CRPF ऑनलाइन आपको एक साथ ही यहाँ पे डालना है। ठीक है, और इसको कर देना है यहाँ पे सिंपल सा सर्च। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आपका इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिर देखिए स्क्रॉल करते आपको फर्स्ट नंबर की वेबसाइट यहाँ पे नहीं लेनी है। देखिए जैसे आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो आप देख सकते हैं आप लोग CRPFonline.com। ठीक है, इस वेबसाइट पर जो आपको सिंपल सा क्लिक कर देना। तो देखिए जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके आज सामने आ जाएगा। आपको सिंपल का इसको जो यहाँ पे यहाँ से क्लोज कर देना है। ठीक है, देखिए इसको कर देते हम थोड़ा सा क्लोज। देखिए अब देखिए ये आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई। तो आप देख सकते हैं, जैसे आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो देखिए आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें देखने को मिल जाएगा आपका जो शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता प्रवेश ई एडमिट कार्ड। ठीक है, यानी फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड यहाँ पे दिया गया है। देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल GD। ठीक है, तो देखिए ये वेबसाइट अच्छे तरह से चल रहा है, इसको आप ओपन कीजिए। और देखिए अभी मैं आपको एडमिट कार्ड भी जो डाउनलोड करके बताने वाला हूँ। तो देखिए आपको करना है जो थोड़ा स्क्रॉल कर देना है, आपको देखिए यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस जो आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप देख लोग देख सकते हैं फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली। तो देखिए जो यहाँ पे लिखा है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली, तो सिंपल सा आपको करना क्या है कि यहाँ पे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन ID डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, और वेरीफाई ह्यूमन जो करके लिखा है तो इसका जो आपको प्लस इसमें डाल देना है, यानी 6 का। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालता हूँ और साथ ही डालता हूँ अपना डेट ऑफ बर्थ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं अपना जो भी डिटेल फिल कर दिया था। ठीक है, एक कैंडिडेट ने मुझे यहाँ पे भेजा था। तो देखिए यहाँ पे इसका जो यहाँ पे एडमिट कार्ड यहाँ पे आ गया है, तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो आपको नाम वगैरह देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे देखिए गौरव अनिल उके लिखा है, फादर का नाम वगैरह यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए अभी हम जो यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे देखिए इसका यहाँ पे सिंपल सा आपको करना क्या है, तो जो आपका क्लिक हेयर टू प्रिंट योर कॉल लेटर है, तो इस पर आपको जो सिंपल सा यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर इस तरह से जो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें देखिए आप ये ऑफिशियल जो एडमिट कार्ड है इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए थोड़ा स्क्रॉल करके भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं आप कैंडिडेट का पूरा डिटेल यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, जिसमें देखिए उनका जो यहाँ पे होने वाला है तो वो होने वाला है आपको नागपुर को। ठीक है, तो नागपुर को जो इनका यहाँ पे फिजिकल होने वाला है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप उनका जो टाइमिंग दिया है तो वो देखिए आपका 5:30 AM को दिया है, और डेट दिया है आपकी 28/5/2022। ठीक है, यानी 28 मई को जो भाई का होने वाला है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस तरह से आपको जो पूरा एडमिट कार्ड डाउनलोड होने वाला है। तो आशा करता हूँ कि आपके जो भी डाउट हो गए यहाँ पे पूरे क्लियर हो गए होंगे। और अभी फिर भी नहीं, अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, कुछ भी इश्यूज़ आ रहे हैं तो दोस्तों कमेंट में लिखते चलना, आपके इश्यूज़ तुरंत मैं सॉल्व करवा दूँगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अगर हेल्पफुल साबित होना हुआ होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो आप लोग शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलते दोस्तों हमारे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।